इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आप पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और आप पार्टी का जो गठबंधन होने जा रहा था उसमें तकरार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि क्या से ये लगाए जा रहे थे कि 5 सीटें जो हैं आप पार्टी को कांग्रेस दे सकती है और 3 सपा को जो है सीटें दी जा सकती है। लेकिन अभी अभी जो सूचना आई है, अभी अभी जो खबर आई, उसमें आप पार्टी ने 20 सीटें जो हैं तय कर दी हैं और 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं उतार दिए हैं। आज सुबह ही सुशील गुप्ता जो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया था कि शाम तक कांग्रेस उन्हें नहीं बताती गठबंधन के बारे में तो वो अपनी टिकटें डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन शाम होने से पहले जो है ये सूची जारी कर दी गई है। और पानीपत ग्रामीण के ऊपर भी जो है पेच अड़ा हुआ था, कांग्रेस पानीपत ग्रामीण देना नहीं चाहती थी, लेकिन आप जो है पानीपत ग्रामीण भी जो है लेना चाह रही थी। पेच फंसा हुआ था गठबंधन को लेकर, राहुल गांधी का पूरा दबाव कांग्रेस के नेताओं के ऊपर था, लेकिन ये दबाव कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है और गठबंधन के ऊपर तकरार बनती हुई नजर आ रही है। मेरे पास वो लिस्ट है, एक एक करके आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और फेसबुक पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायणगढ़ से गुरुपाल सिंह को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है और आपको ये भी बता दें कि सुशील गुप्ता का ये भी बयान है कि 90 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव जो है लड़ेंगे और 90 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारेंगे। लिस्ट एक बार पढ़ के बताऊं, इससे पहले आप लोगों को सुशील गुप्ता का बयान सुनवाते हैं जिसमें सुशील गुप्ता ने यह बात कही थी। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पर। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करें। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करें। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है, आम आदमी पार्टी की एक अनुशासित पार्टी है, उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल हमें आला कमान के निर्देश के इंतजार है, हम 90 विधानसभाओं पर तैयार। तो सुशील गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर जो शाम तक का लिस्ट न तय की गई तो वो अपने उम्मीदवार जो उतार देंगे। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह और कलायत से अनुराग ढांडा को जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है और पुंडरी से नरेंद्र शर्मा जो है चुनाव लड़ेंगे, घरौंडा से जयपाल शर्मा और असंध से अमनदीप जुंडला को जो है टिकट दी गई है और संभालका से बिट्टू पहलवान, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले रैली करवाई थी, उनको टिकट दी गई है और चाइनाकला से पवन फौजी और डब्बवाली से कुलदीप गडराना को जो है ये टिकट जाती हुई दिखाई दी है और रानिया से हैप्पी रानिया जो है चुनाव लड़ेंगे और भिवानी से इंदु शर्मा को जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है और महम से विकास नेहरा और रोहतक से विजेंद्र हुड्डा को जो है आप पार्टी ने टिकट दी है और साथ ही बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा और बादली से रणबीर गुलिया और बैरी से सोनू अहलावत को जो है ये आपकी टिकट दी है। और अगली बात करें तो महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंद्र मटरू और बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच और सोहना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को ये जो है टिकट दी गई है। यानी कि कुल मिला के ये बात करें, अभी तक जो सूचनाएं आ रही है कि गठबंधन टूटता हुआ जो है नजर आ रहा है, तकरार होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए जो है आप पार्टी ने अपने जो सारथी हैं वो मैदान में उतार दिए, अपने खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। तो अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गठबंधन में वाकई कोई ना कोई तकरार हो गई है, इसी के चक्कर में जो है आप पार्टी ज़्यादा इंतजार नहीं कर रही थी। पिछले 7-8 दिनों से ये कवायद चल रही थी कि दोनों का गठबंधन हो रहा है और कभी भी जो है घोषणा हो सकती है, लेकिन आप पार्टी ने घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस वाले क्या कहेंगे इस बारे में वो सुनना होगा, वेट हम लोग भी करेंगे कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन आप वालों ने आज 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।